सोलन में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के दौरान भारतवर्ष की तरह सोलन में भी जमकर आतिशबाजी होती है। सोलनवासी जमकर पटाखे चलाते हैं। सोलन शहर में कोई हादसा ना हो इसके लिए पटाखे बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होती, बल्कि पटाखे सोलन शहर के चुनिंदा स्थानों पर ही बेचे जाते हैं। सोलन में इस वर्ष 8 स्थान नगर परिषद द्वारा चयनित किए गए हैं। जिस व्यक्ति के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस होता है वे इन चयनित स्थानों पर अनुमति लेकर पटाखे बेच सकता है। ये जानकारी नगर निगम के आयुक्त प्रशांत सरकैक ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि दीपावली पर किसी भी तरह का कोई हादसा न हो इसलिए ये कदम सावधानी के तौर पर उठाए जाते रहे हैं। नगर निगम आयुक्त प्रशांत सरकैक ने बताया कि सोलन के 8 स्थानों पर पटाखे बेचने के लिए अनुमति भी दी जा रही है। जो भी व्यवसायी अनुमति लेना चाहता है वे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पटाखे बेचने की अनुमति प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि ठोडो मैदान में पिछले वर्ष करीबन 24 व्यवसायियों ने आवेदन किया था, इस बार भी करीबन 24 पटाखों की दुकानें लगने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा व्यवसायी उनके पास आवेदन करते हैं तो वे दुकानों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में पटाखे केवल 2 दिन ही बेचने की अनुमति है, 2 दिनों से अधिक कोई भी पटाखे कोई भी कानूनी तौर पर नहीं बेच सकता है। हमारे नगर में सोलन में जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी स्टॉल्स लगते हैं नगर निगम के माध्यम से उनके आवेदन खुल चुके हैं। लोग आकर अपने आवेदन दफ्तर में जमा कर सकते हैं नगर निगम के दफ्तर में, और जैसा कि आयुक्त महोदय का यहाँ पर आदेश भी है, उपायुक्त महोदय का, उस हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर लोगों को स्टॉल्स आवंटित किए जाएंगे। वो अपना एप्लीकेशन देंगे, हम उनको स्टॉल आवंटित कर देंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ SDM साहब के लेवल पे भी होनी है, जिसमें उनको फायर क्रैकर लाइसेंस वगैरह दिया जाता है, तो वो उन्हें उस टाइम बताया जाएगा। SDM ऑफिस में भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी। ये जितने पिछले साल लगे थे मेरे ख्याल से 24-25 स्टॉल लगे थे, उतने तो लगेंगे ही, बाकी डिपेंड करता है कितनी एप्लीकेशन आती हैं। अगर ज़रूरत पड़ी है तो बढ़ा भी देंगे अगर हमारे पास जगह अवेलेबल होगी।